हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल AS एडिट्स में। और आप देख रहे हैं AS एडिट्स। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना है ना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ फायर, मतलब एक ड्रैगन है उसको फायर छोड़ रहा है, जिसमें आप मतलब हमारा मॉडल है उसके साथ चारों तरफ आग आग है। तो गाइस, उसकी फोटो हम एडिट आज करेंगे। तो बाय गाइस, वीडियो को पूरा देखना, एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो वैसे चलिए चलते हैं अपने बैकग्राउंड की तरफ। तो वैसे हम बैकग्राउंड में आ जाते हैं। तो वैसे हमें ये वाला बैकग्राउंड ले लेना है, इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। तो इसके से क्या करेंगे, हम इसे यहाँ से हम पिक्सआर्ट में से सेंड कर लेंगे। तो वैसे हम पिक्सआर्ट में से सेंड कर लेते हैं। तो जा रहा है पिक्सआर्ट के अंदर। पिक्सआर्ट के अंदर हम इसे डाल देते हैं, जा रहा है पिक्सआर्ट के अंदर। तो वैसे आज की वीडियो ज़्यादा ही खास होने वाली, इसमें मैं आपको एक कलर ग्रेडिंग बताऊंगा बहुत ही बढ़िया वाली, जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग है। तो वैसे आपको पहले क्या करना है, आपको ड्रॉ टूल में आना है एंड इसका इधर का हिस्सा क्रॉप कर देना है। ओके गाइज, एंड अब आपको अपना मॉडल ले आना है। तो वैसे मैं मॉडल को ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, मॉडल को यहाँ ले लेते हैं एंड जाते हैं कटआउट टूल में। एंड गाइस, कटआउट टूल में आपको कुछ नहीं करना, चारों तरफ इसके आउटलाइन बना देनी है। ये गाइस, अगर आपका फोटो पोर्ट्रेट मोड में है ना तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। इसे यहाँ से कर देना है। एंड गाइस, आपको जोन सा मेथड अच्छा लगे आप वहाँ से अपना बैकग्राउंड रेस कर लेना। तो गाइस, हम यहाँ से ब्रश में जाएंगे, जो जो पार्ट रह गया है ना हमारा, हम उसे यहाँ से ब्रश करेंगे। गाइस, ये पार्ट रह गया था एंड हेयर रह गए हैं, इसे यहाँ से ब्रश कर देते हैं, ब्रश कर देते हैं। इधर थोड़ा सा ब्रश करते हैं। तो हमारा फोटो एकदम मतलब परफेक्ट बैकग्राउंड रेस हो चुका है। एंड ऐसे कर देंगे हम सेव। और गाइस, आपको इसे बड़ा करना है, इतना बड़ा यहाँ पर रख देना है, इस जगह पर आपको उसे सेट कर देना है, इस जगह पर। और आपको गाइज एक PNG, आपको इसके एडजस्ट में जाना है, PNG बाद में ऐड करना है। एडजस्ट में इसकी मतलब माइनस आप 10 रख देना है, जाते नहीं माइनस 10 रखना है आपको इसकी ब्राइटनेस। एंड कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है आपको, एंड क्वालिटी को क्लैरिटी को थोड़ा इंक्रीज़ करना है। एंड आपको आ जाना है हाईलाइट्स के अंदर, हाईलाइट्स को थोड़ा बढ़ाना है, -3 रख देना, कम कर देना है। एंड आपको इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस, यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके, और गाइस आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ऐड फोटो में जाना है। गाइस, ये वाला PNG इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जितने मैं PNG बैकग्राउंड यूज़ करूँगा इसमें, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, आपको यहाँ ब्लाइंड पे जाना है, जो कर देना है आपको स्क्रीन, स्क्रीन कर देंगे गाइज आप। एंड गाइज, आपको इरेजर में जाना है। इरेजर में गाइज, आपको इसकी हार्डनेस लो करनी है गाइज, ये जो लाइन लाइन दिख रही है ना, आपको इसे इरेज कर देना है लाइन लाइन को, और यहाँ से कर देना आपको डन। और गाइज, यहाँ से ये बिल्कुल सही हो चुका है। एंड यहाँ से हम प्लस के आइकन पर जाएंगे दोबारा, एंड यहाँ ऐड फोटो पर जाएंगे, और एक ये PNG है ये वाला, इसको ऐड कर लेते हैं, घुमा लेंगे हम। तो गाइस, यहाँ पे इसे थोड़ा सा इधर को घुमाते हैं। एंड ब्लाइंड पे जाना है, सिर्फ स्क्रीन करना है। एंड गाइस, स्क्रीन करना आपको ज़्यादा सिंपल लगेगा गाइस, इस जगह पर सेट कर लेना है। ओके गाइस, इस जगह पर आप सेट कर लेना है इसे। ओके गाइस, आपको ऐड फोटो में जाना है।
गाइस एक ये वाला एक मतलब फायर का पीएनजी से आपको ऐड कर लेना है गाइस। ये आपको ब्लाइंड पर जाना है, इसे स्क्रीन कर देना है, घुमाना है इसे एंड छोटा करके आपको इसे इस जगह पर सेट कर देना है, इस जगह पर एंड प्लस के आइकन पर जाना है। एंड गाइस आपको दो और ले लेने हैं, यही पीएनजी ले लेना है दो बार, सॉरी मेरे सही से एक ही आ गया। आपको यहाँ ब्लाइंड पर जाके इसको भी स्क्रीन कर देना है एंड इसे भी छोटा करके आपको इधर लगा देना है गाइस। एंड दोबारा इस पीएनजी को हम ऐड कर लेंगे फायर के पीएनजी को एंड इसे हम घुमाकर छोटा करेंगे, वो इसे ब्लाइंड पर जाके स्क्रीन कर देंगे। और गाइस आपको इसे यहाँ रख देना है इस जगह पर। एंड गाइस ये फोटो इतनी तैयार हो चुकी है, काफ़ी अच्छी लग रही है एंड यहाँ से हम इसे कर देंगे डन। ओके गाइस, अब गाइस हमें क्या करना है, अब आपको ड्रॉ टूल में जाना है, ड्रॉ टूल में जाकर आपको सॉरी गाइस ये क्या आ गया, एंड आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे सेव कर देना है। और गाइस हम इसे खोलते हैं पिक्सआर्ट मतलब लाइटरूम एप्लीकेशन में, जो कि काफ़ी अच्छी कलर ग्रेडिंग होने वाली है, तो गाइस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। और गाइस अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि उसी पर ही मैं वीडियो लाता रहता हूँ अच्छी अच्छी। एंड गाइस डाटा ऑन कर लेते हैं हम एंड लाइटरूम एप्लीकेशन में जाते हैं। गाइस आ चुके हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। गाइस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ऐड फोटो पर जाना है। ओके गाइस एंड अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको पिक आ जाएगी, आपको इसे ऐड कर देना है। तो यहाँ ऐड हो गई है हमारी पिक्चर, इसे हम ओपन कर लेते हैं। इस फोटो को हम यहाँ ओपन कर लेते हैं एंड गाइस ये ओपन हो चुकी है हमारी पिक्चर। एंड आपको गाइस लाइट वाले ऑप्शन पर जाना है, लाइट वाले ऑप्शन पर जाकर आपको गाइस का थोड़ा सा एक्सपोज़र को आपको इंक्रीज कर लेना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही इंक्रीज़ करना है। एंड कॉन्ट्रास्ट को आपको अभी नहीं बढ़ाना, कॉन्ट्रास्ट को हम बाद में बढ़ाएंगे। एंड हाईलाइट्स को बढ़ाना है आपको, शेडो को कम करना है, वाइट्स को बढ़ाना है, ब्लैक्स को कम कर देना है। एंड अब आपको आ जाना है लाइट वाले मतलब यहाँ पर, आपको यहाँ कस्टम सेलेक्ट करना है, इसका टेम्परेचर आपको बढ़ाना है थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देना है, वाइब्रेंस बढ़ानी है फ़ोटो की, सैचुरेशन ज़रा सी कम करनी है -5। एंड आपको आ जाना है मिक्स वाले टूल में आना है, मिक्स वाले में आपकी रेड की यू को आपको यहाँ थोड़ा सा इधर रखना है। ओके गाइस, और गाइस येलो की लुमिनेंस आपको बढ़ानी है, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी बढ़ा देनी है। एंड यहाँ से आपको डन करना है। एंड अब आपको आ जाना है क्लैरिटी टूल में, आपको इसकी क्लैरिटी इंक्रीज करनी है एंड विग्नेट थोड़ा डाल देना है फ़ोटो के अंदर। एंड अब आपको आ जाना है शार्प शार्पनिंग के टूल में एंड इसकी शार्पनिंग को आपको इंक्रीज करना है, शार्पनिंग आप इंक्रीज करेंगे, नॉइज़ रिड्यूशन को इंक्रीज़ करना है एंड यहाँ कलर नॉइज़ रिड्यूशन को इंक्रीज करना है, फोन को आपको इंक्रीज कर देना है। ओके गाइज, और आपको क्या करना है, अब आज हमारा फोटो लोड हो रहा है एंड अब आपको यहाँ पर आना है लाइट वाले ऑप्शन के अंदर। तो वैसे हम कॉन्ट्रास्ट हमने नहीं बढ़ाया था एंड अब कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, इससे जो है ना हमारे फ़ोटो के अंदर चमक आ जाती है। तो वैसे हमारा फ़ोटो एक रियलिस्टिक बन चुका है एंड एकदम फुल HD फ़ोटो है, तो मैं आपको दिखा दूँ पहले एंड अब में फ़र्क। तो वैसे आप देख सकते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर में कितना कितना फ़र्क आ चुका है। एंड गाइज ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमारी मुझे नोटिफिकेशन मिला अगली वीडियो लाने के लिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। एंड गाइज आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन तो आप दबा ही देंगे, मुझे पता है जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन भी आप दबा ही देना। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। गाइज यहाँ से सेव कर लेना।
अब बाय।